देश के दुश्मनों पर निगरानी से जुड़ी खबरों की बात 9 सेकंड न्यूज में। इंडियन नेवी ने लक्षद्वीप के मिनिकाय आइलैंड पर अपने नए नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु को सेना में शामिल किया। नौसैनिक बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर रखी जा सकेगी नजर। यूपी में अवैध मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। नेपाल सीमा पर चल रहे 13,000 मदरसे बंद करने की सिफारिश। एसआईटी जांच में किया गया है खाड़ी कनेक्शन का दावा। छत्तीसगढ़ में एनआईए की तर्ज पर बनेगी एसआईए। आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई को लेकर फैसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ का दौरा करेंगे, एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ऐसे में पंजाब यूनिवर्सिटी के 71वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में घटी सीएनजी की कीमत। बुधवार को सीएनजी में 2.5 रुपए प्रति किलो की कमी की गई। नई कीमत आज सुबह 6 बजे से लागू हुई। कश्मीर के एक युवा गायक ने पीएम मोदी के लिए बनाया गाना। गीत के जरिए प्रधानमंत्री की तारीफ की। सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है घाटी के युवक का गाना। महाशिवरात्रि को लेकर हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़। हर की पैड़ी पर गंगा जल लेने के लिए कई राज्यों से पहुंच रहे कांवड़िए। हर की पैड़ी के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। आखिरी चरण में शारदीय कांवड़ यात्रा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करेंगे कांवड़िए। हर की पैड़ी से गंगा जल लेने के बाद अपने गंतव्य को रवाना होंगे शिव भक्त। प्रयागराज में नजर आ रही महाशिवरात्रि की तैयारियां। महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले निकाली गई शिव बारात। यात्रा में बैंड बाजा, ऊंट, घोड़े और रथ नजर आए। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर होगा विशेष अनुष्ठान। माघ मेले में पीएम मोदी के लिए विशेष अनुष्ठान की तैयारी। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाए जाने को लेकर रखी गई विशेष पूजा। अयोध्या में राम मंदिर में भव्य तरीके से मनाया गया राम उत्सव। रामलला को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। बड़ी तादाद में भक्त भी उत्सव में शामिल हुए। और चलिए अब बात कर लेते हैं अपराध से जुड़ी खबरों। हरियाणा के अंबाला में बेखौफ बदमाशों का तांडव। सरेआम लहराए हथियार और तलवारें। आपसी रंजिश की वजह से एक शख्स के घर पर बरसाए ईंट और पत्थर। अंबाला में सामने आए फुटेज में फायरिंग भी करते नजर आ रहे बदमाश। परशुराम कॉलोनी का बताया जा रहा है वीडियो। राहुल वाली और उसके साथियों पर आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में पकड़ा गया तस्करी का बड़ा मामला। एक ट्रक से बरामद हुआ 2 करोड़ रुपए कीमत का डोडा पोस्ट। तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 38 लाख रुपए का कैश। कार सवार 5 लोगों से चेकिंग के दौरान मिला कैश। रकम के बारे में जानकारी नहीं देने पर पुलिस ने जब्त किया पैसा। हरियाणा के नूह में बोर्ड की परीक्षा के दौरान जमकर हो रही नकल। भिंगवा के एक स्कूल का वीडियो वायरल। परीक्षा केंद्र के बाहर दीवार पर चढ़कर पहुंचाई जा रही नकल की पर्चियां। नूह में परीक्षा केंद्र के बाहर दीवार पर एक साथ चढ़े नजर आ रहे कई युवक। परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं के पास गिराई जा रही नकल की पर्चियां। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। हरियाणा के नूह में परीक्षा केंद्र के पीछे की दीवार से छत के ऊपर चढ़े छात्र। परीक्षा शुरू होते ही बाहर बैठे लोगों तक पहुंचे प्रश्न। खिड़कियों पर लटक कर अंदर पहुंचाई गई पर्चियां। परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात जवान भी दे रहे लड़कों का साथ। महज खाना पूर्ति करते नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी। बेखौफ होकर परीक्षा केंद्र के अंदर नकल की पर्चियां बांट रहे लोग। बोर्ड परीक्षा में नकल को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। नकल रोकने के लिए सरकार ले रही सख्त एक्शन। पेपर लीक की बात को बताया अफवाह। राजस्थान में फर्जी तरीके से नियुक्ति लेने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पेशी। 14 आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में किया पेश। वकील ने कोर्ट में हंगामा किया। कानपुर में कैफे संचालक के प्यार में पागल लड़के ने चेंज कराया अपना जेंडर। बाद में कैफे संचालक ने शादी से इनकार किया तो उसकी कार को आग लगा दी। पेट्रोल डालकर कार को जलाया। कैफे संचालक से शादी करने के लिए दीप से दीपा बना एक लड़का। जेंडर चेंज कराने के लिए खर्च किए करीब 60 लाख रुपए। कैफे संचालक पर शादी के नाम पर गुमराह करने का आरोप। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।